जय माता रानी की। दोस्तों, कल 26 मार्च को पांचवा नवरात्रि है, ये स्कंद माता का दिन है। तो इस दिन के लिए कुछ खास उपाय है, अगर आप इसे करेंगे तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल ठीक हो जाएगी, सुलझ जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 3 अशोक के पत्ते लेने हैं, अशोक वृक्ष के पत्ते लेने हैं, और आपको हल्दी लेनी है, थोड़े से चावल लेने हैं, और एक लोटा जल और एक घी का दिया लेंगे आप। तो आप पहले हल्दी को थोड़ा सा भिगो के उससे अशोक के पत्तों पर 3 स्वस्तिक बनाएंगे, तीनों पत्तों पर एक एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे। फिर उस पर थोड़े से चावल डालेंगे और वो स्वस्तिक बनाए हुए अशोक के पत्ते को लोटे में डालेंगे, पानी के लोटे में डालेंगे। फिर माता को अर्पित करेंगे और प्रार्थना करते हुए कि हे माता, मेरे जीवन में आए दुखों को कम कर दे, मुझे जो भी दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल दे। इस तरह की कामना करते हुए आप वो पत्ते माता को अर्पित करें। थोड़ा सा जल है वो अपने घर में डालें। बाकी के 2 पत्ते हैं, स्कंद माता के आगे दीपक लगाएं घी का, और ओम स्कंद माताए नमो नमः इस मंत्र का 11 बार और हो सके तो 108 बार मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना बोले। एक अशोक का पत्ता आप माता को समर्पित कर दें, बाकी 2 पत्ते और जल है वो आप शिवलिंग के मंदिर जाएं, शिव जी के मंदिर जाएं और शिवलिंग पे पत्ते अर्पित करें और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जप करते हुए वहां जल समर्पित करें और अपनी मनोकामना बोले। हे भगवान, मेरे जो जीवन में दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में परिवर्तित कर दे, मेरे जीवन की मुश्किलें आसान हो जाए, सब मुश्किलें मिट जाए। इस तरह की मनोकामना करते हुए आप अपने वापस घर आइए। लोटे में बचा हुआ जल आप जो घर ले आएंगे उसे आप गेट के बाहर, अपने घर का जो मेन गेट है उसके बाहर सींचे और बोले ह्रीम क्लीम स्वामिन्ने नमः नमः। बहुत आसान उपाय है, तो आप अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।